पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मोनिका, मैं हूँ उत्तराखंड देवभूमि केदार घाटी के एक छोटे से गांव रैल गांव से। स्वागत है आपका मोनिका केदार घाटी ब्लॉग में और केदार घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों, मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग सुबह की 7:30 बजे से हो रही है और आज देखिए भाई मौसम दिखाती हूँ मैं आप लोगों को कैसा है। आज मौसम देखिए भाई, आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, सामने वाली पहाड़ियों पर हल्का हल्का कोहरा भी छा रखा है और नीचे मंदाकिनी नदी का जो जलस्तर है वो भी थोड़ा बहुत कम हो गया है। धीरे धीरे नदी का जो पानी है वो भी साफ होने लग गया है। बाकी नीचे खेतों में मंडुआ झंगोरे पे बालियाँ भी आनी स्टार्ट हो गई है और कुछ दिनों बाद झंगोरे की लवाई भी स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, मैंने ब्रेकफास्ट भी बना दिया है। ब्रेकफास्ट में बना रखे हैं पराठे, साथ में है राली रोटी मंडवे की, दो तीन ही बना रखी है, और साथ में है कड़वे करेले की सब्जी। तो चलिए जी, गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट का आनंद लेते हैं। तो दोस्तों, अभी मम्मी की तैयारी हो गई है गुप्तकाशी मार्केट जाने की। अभी देखते हैं कहाँ जाएगी मम्मी, क्योंकि मम्मी के ना दांत में दर्द हो रहा है। तो मम्मी ठीक है, हाँ बाय। तो दोस्तों चलिए जी, ब्रेकफास्ट वगैरह भी मैंने कर लिया है और अभी ना यहाँ पे बर्तन धोने के लिए हैं। ये देखने यहाँ पे बर्तन धोने के लिए रख रखे हैं मैंने सारे इकट्ठा करके, तो अभी इनको धोएंगे। बाकी ना लाइट भी आ गई है, अभी आई सुबह से ही लाइट का वेट कर रहे थे। दोस्तों चलिए जी, मैंने ना यहाँ दोनों कमरों की साफ़ सफाई करके ऊपर लकड़ी वाला किचन भी साफ़ कर दिया है और यहाँ नीचे गैस किचन भी साफ़ कर दिया है। और साफ़ करने के बाद मैंने दाल भी रख दी है और यहाँ देखिए पोछा वगैरह भी मैंने कर दिया है बरामदे में। तो दोस्तों चलिए जी, घर की सफाई तो हो गई है लेकिन अभी ना धूप भी नहीं लगी आज, क्योंकि आसमान में काले बादल छाए हुए हैं जिसके कारण धूप नहीं लगी। पूरी तरह से आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। बाकी अब देखिए, साफ़ सफाई करने के बाद घर काफ़ी चमक रहा है। बाकी अब ना मैं यहाँ लेंटर में ब्लीचिंग पाउडर डाल देती हूँ, जिससे कि जो है ये हरा हरा जो जम रखा है ना, ये पूरी तरह से जल जाए उससे। तो अब डालते हैं यहाँ। अपने हाथ में ना प्लास्टिक लगा दिया है, तो अब ब्लीचिंग पाउडर ये रहा यहाँ, और कुछ ना लाइट फिटिंग के, ये शायद पानी फिटिंग के पाइप हैं, और यहाँ ऊपर पे रखा हुआ है भाई ब्लीच, ये रहा। तो अब इसको लेके चलते हैं और ये डालना है मुझे यहाँ यहाँ साइड को। तो अब डाल देते हैं भाई थोड़ा थोड़ा करके, ये हमें ना मिला था 1-1 किलो। तो इसको डाल देते हैं कुछ इस तरह से, ये देखिए भाई। तो दोस्तों चलिए जी, मैंने पूरे लेंटर में ना ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया है और कुछ ना मैंने यहाँ सीढ़ियों में डाल रखा है हल्का हल्का सा ब्लीचिंग पाउडर। तो ये देखिए भाई, क्योंकि यहाँ सीढ़ी भी हरी हरी हो रखी है, तो इसलिए मैंने ब्लीचिंग पाउडर पूरी सीढ़ियों में डाल दिया है। और मैंने यहाँ ना दाल रख रखी थी, तो देखते हैं भाई दाल क्या हुई, बस पक गई कि नहीं पकी, शायद पकी गई होगी। गैस बंद कर लेते हैं, देखते हैं भाई। तो दोस्तों चलिए जी, दाल भी पक गई है भाई, ये देखिए अच्छी तरह से। तो इसके ऊपर से ढक्कन रख लेते हैं। तो दोस्तों, मैंने सफाई करने के बाद ना यहाँ पे देखिए भाई, चावल भी बना के तैयार कर दिए हैं और यहाँ पे बन रही है दाल। तो आज मैंने ना गैस में ही बना रखी है दाल भात। तो चलिए जी, साग भी बन के तैयार हो गया है और चावल भी। मेरी मम्मी ना थोड़ी देर पहले ही गुप्तकाशी पहुंची, तो मैंने मम्मी को कॉल किया था। तो मम्मी बोल रही थी कि बड़ी मुश्किल से गाड़ी मिली, और आप लोगों को बता दूं कि उधर डोले पर ना लगातार लैंडस्लाइड होए जा रहे हैं, तो जिससे कि वहाँ ना ऊपर से पूरा मलबा नीचे रोड में आ रहा है। तो इसलिए भाई मतलब उधर की गाड़ियों को रोका जा रहा है, फिर इधर की गाड़ियों को छोड़ा जा रहा है, फिर इधर की गाड़ियों को रोका जा रहा है, और उधर से
छोड़ा जा रहा है कि वहाँ पे काफ़ी ख़तरनाक और डरावना सा हो रखा है भाई। और आप लोगों ने मेरे कॉलेज वाले ब्लॉग में देखा होगा तो काफ़ी डरावना सा हो रखा है वहाँ डोलिया पे, और नीचे से भी लैंड स्लाइड होए जा रहे हैं। तो अभी मम्मी भी चली गई है हॉस्पिटल दांत दिखाने के लिए, क्योंकि मम्मी का ना जो दांत था ना वो आधा टूट रखा है, लेकिन आधा नहीं है टूट रखा। तो मम्मी को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, तो मम्मी आज चेकअप करवाने के लिए चले गई है। तो देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं। अभी तो मम्मी शायद गुप्तकाशी है, अब देखते हैं क्या हो पाता है। तो अब मैंने तो लंच बना दिया है, मैं और भाई लंच कर लेते हैं। बाकी आज तो धूप लगी नहीं, तो मम्मी तो पता नहीं कब तक आएगी। मेरी तैयारी हो गई है गौशाला जाने की, क्योंकि गाय को ना चारा पत्ती डालने का टाइम भी हो गया है, और टाइम ना 11:30 से ज़्यादा हो गई है। तो चलिए जी चलते हैं गौशाला गाय को चारा पत्ती डालने के लिए। सुबह में तो डाल दिया था, तो अभी दिन में डालते हैं, फिर थोड़ी देर बाद मतलब 4-5 बजे बाद 4 बजे डालते हैं, फिर सीधा अंदर बांधने के बाद डालते हैं चारा पत्ती। तो दोस्तों मैंने ना गाय के पास घास भी डाल दिया है, और गाय को ना बाहर ही रखूँगी, क्योंकि ना अभी धूप भी नहीं हो रही है और हल्की हल्की हवा चली रही है। तो चलिए भाई गाय के पास घास डाल दिया है। तो चलिए जी आज का स्वादिष्ट लंच भी बनके तैयार हो गया है। लंच में है दाल भात और हरी मिर्च। तो चलिए जी अब लंच करते हैं। दोस्तों लंच करने के बाद मैंने थोड़ी देर आराम किया, बाकी ना मम्मी भी अभी आ रही है, और अभी शाम की 4:30 हो रही है, और सामने का व्यू देखिए भाई पहाड़ियों का। और आज तो धूप लगी नहीं, आसमान में काले बादल छा ही रखे हैं। बाकी मम्मी जा रही थी गुप्तकाशी दांतों के डॉक्टरों के पास, क्योंकि मम्मी का ना मैंने आप लोगों को बताया था कि जो दांत था ना मम्मी ने वो तोड़ा, आधा टूटा और आधा वहीं रहा दांत, और मम्मी का जो दांत है ना वो अंदर पक गया है। तो मम्मी को ना 2-3 दिन की दवाइयाँ दे रखी है, और डॉक्टर ने बोला है कि आपने बल ज़्यादा जोर लगा के दांत को तोड़ा। तो आप लोगों को बता दूँ तो 2-3 दिन बाद फिर से मम्मी जाएगी हॉस्पिटल। मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो गई थी, और मम्मी को भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो गई थी दांत की। अच्छा हुआ कि आज चले गई, नहीं तो ना ऐसे नहीं लग रहा था कि दांत पक रखा है अंदर से। बाहर अंधेरा भी हो गया है, मैंने यहाँ पे आटा भी गूंथ के तैयार कर दिया है, और यहाँ पे बन रही है सब्जी। सब्जी है आलू और चचिंडे की, तो आज मैं बनाऊँगी सब्जी। वैसे तो ये सब्जी शायद बन गई है। चलिए जी डिनर वगैरह भी हो गया है, बाकी ना मेरी भी दवाई चल रही है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे गले में ना टॉन्सिल हो रखा है। तो अभी मैंने ना डिनर करने के बाद गर्म पानी में दवाई खा ली है। तो मैं गुप्तकाशी से भी आ गई हूँ घर, और गाड़ी नहीं मिल रही है। आजकल बड़ी परेशानी हो रही है गाड़ियों की, तो बड़ी मुश्किल से गाड़ी मिली। सुबह में भी 10 बजे गई, और उसके बाद तब 2-3 घंटे तो वहीं लगे, और दांतों की दवाई ला रखी है। अभी दवाई चली रही है, 2-4 दिन तक दवाई खाना है, फिर इसको दांत को निकालूंगी मैं, क्योंकि मम्मी ने ना आधा दांत हाथ से तोड़ा, आधा दांत हाथ से तोड़ा और थोड़ा छोटा पीस बचा हुआ है वहाँ, तो निकालूंगी 2-4 दिन में। मम्मी कितने दिन की दवाई दे रखी? 3-4 दिन की दवाई दे रहा, फिर दवाई चलेगी, उसके बाद दांत निकालूंगी। दांत अब बहुत मुश्किल हो गए मेरे। मम्मी के सिर्फ आगे के दांत दिखाए, पीछे के सारे टूट गए। सारे टूट नहीं गए, नजर लग गई मम्मी पे। एक दांत खराब हो गया मेरा। हाँ मम्मी पर नजर लग गई ना मम्मी, पता नहीं क्या हो गया, वो तो भगवान ही जाने। और आज की वीडियो को भी इतने ही रखते हैं, और आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक लिए जय देवभूमि जय उत्तराखंड, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो पर। तब तक लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अपना ख्याल रखें। बाय बाय।